इट्स हैपनिंग अगेंस्ट देयर विल, तो आई रियली डोंट सपोर्ट दिस। पैराग्लाइडिंग के लिए आ गया था ऊपर, पापा भी करेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ग्राउंड तो वहाँ पे था, ये तो वो है जो मंदिर है। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज द टेक 3। लुक एट दिस, सो वी आर हियर। इन खजियार एंड अभी तो हम लोग ये देखने आए हैं, उसके बाद यहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है। एंड मैं अपने आप को बहुत तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे भी करनी है। आई एम शिट स्केयर्ड ऑफ हाइट्स एंड आई रियली वॉन्ट टू डू दैट, बट आई डोंट नो इफ आई विल। लेट्स सी क्या होता है, आप और मुझे दोनों को पता चलेगा वेदर मैं करूँगी या नहीं करूँगी। और यहाँ पे पैराग्लाइडिंग के अलावा हॉर्स राइडिंग भी होती है एंड देर आर लाइक फ्यू अदर एक्टिविटीज़। तो हॉर्स राइडिंग आई डोंट रियली प्रेफर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि, मतलब ऑफ कोर्स दिस इज़ माय ओपिनियन अगेन, मुझे ऐसा लगता है कि लाइक दे आर नॉट फॉर दैट। एंड लाइक पूरे दिन उनको रखते हैं ऐसे एंड मतलब लाइक इट्स हैपनिंग अगेंस्ट देयर विल, तो आई रियली डोंट सपोर्ट दिस। इट्स माय ओपिनियन अगेन, मुझे इस पर पता चला बैकलैश ना मिलने लगे। एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द डे एंड आई विल शो यू वेयर ऑल आई गो टुडे। पैरा सेलिंग किया था आपने वहाँ पे? यस, इट इज डिसाइडेड आई एम गोइंग फॉर पैराग्लाइडिंग। एंड अभी तो मुझे डर नहीं लग रहा, बट मेरे को पता है मैं वहाँ ऊपर जाऊँ नहीं, तब भी नहीं लगे, मैं ऐसे बोलती क्यों हूँ पहले से। तो भैया वीडियो का जैसे इसके अपना कोई कॉस्ट लेता है, हम लोग वहाँ से गाड़ी से आए यहाँ तक एंड ओ गॉड सांस ही नहीं आ रही। वहाँ से नीचे से यहाँ तक इट्स अराउंड 300-400 मीटर का बहुत डिफिकल्ट ट्रैक टाइप ऑफ स्टफ। एंड अभी हम लोग पहुंच गए हैं, यहाँ से होती है पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग के लिए आ गया था ऊपर, पापा भी करेंगे। अभी खड़े रहो, ठीक, बस दो कदम चला, बैठ जाने, कोई दिक्कत नहीं। डर लग रहा है, लंबा कुछ नहीं गिरती यार। क्या हुआ भैया, बताओ, कुछ नहीं होता, क्या डर रहे, बैठे 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 बैठे
Then the paragliding, my first time tha, and it was amazing. It was amazing, amazing. मैं पूरे रास्ते में pray करते जा रही थी कि God please मेरे को डर ना लगे, and मुझे नहीं लगा. I'm so grateful for that. And आप यहाँ पे you land here. फोटो में दिखेगा ना? ये लड़ना लगी. चलो. भाई पता है कम से कम 300 मीटर का ट्रैक है पहले यहाँ से, एकदम खड़ा खीर गंगा जैसा ट्रैक है यहाँ से ऊपर तक जाने के लिए पैदल पैदल अभी तो यहाँ से ऊपर तक कैसे जाओगे? यहाँ से ऊपर तक का पूरा ट्रैक करके ऊपर गए बहुत ऊपर. चलो ग्रेट. फिर वहाँ से मैंने सोचा कि ये ना मतलब तुम जैसे डर रही थी ना पहले, तो फिर मैं भी सोच रही थी, पर मेरे अंदर दिल में ये था कि अब इसका दिल तो चाह रहा लेकिन ये हिम्मत नहीं. हाँ नहीं, मैं पहले डर रही थी ना. हाँ मैं पूरे रास्ते फिर मैं प्रे करते हुए गई, मतलब गॉड प्लीज मुझे डर नहीं लगे, मुझे डर नहीं लगे. मैं बिल्कुल भी डर नहीं लगा. मैंने जब एक दो को देखा ना, दिस इज द मेन प्लेस खजियार में जो सबसे जो फेमस जो जगह है. I wish I could live here, but I have to go back to stupid Lucknow. Mummy, Papa, abhi wahan pe hain and I got so tired after trekking, so I am having my food. And जब से मैं आई हूँ तब से मैं unhealthy ही खा रही हूँ, but वो सारा तो any which way digest हो ही रहा है, so मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोच रही हूँ उस बारे में. And it's so pretty here. खाना खा के मैं जा रही हूँ इधर ही, किधर जा रही इधर ही जा रही हूँ. एंड ये वाला वेदर पता है वैसे अभी सही है, मतलब इट्स वेरी सनी बट बहुत ठंडी हवा चल रही है, सो इट्स नाइस. वेदर इज़ वेरी नाइस. एंड इफ यू वांट टू कम इन स्नो तब यू शुड कम इन जनवरी और दिसंबर. मम्मी को मैं सारे में ढूंढ रही हूँ और मम्मी वहां बैठी हुई है ये, तो हम तुम्हें वहां ढूंढ रहे हैं, तुम यहाँ बैठी हो. तुम गोलगप्पे खा रही थी ना? सोडा पी रहा था मैं. अच्छा. इसके कितने ज्यादा बाल हैं. ठंड से बचने के लिए तौर पर उनको मजा होता है. बाल कितने ज्यादा. यहां नेक्स्ट स्टॉप डेनकुंड. यहां पे इधर से ऊपर ट्रैक है अराउंड 2 किलोमीटर का एंड देन वहां पे ये वाला टेंपल है. लेट्स गो. इट्स अ प्रिटी ईजी ट्रैक बिकॉज इसका जो रास्ता है वो पूरा बना हुआ है. हम लोग पहुंचने वाले हैं. इतना डिफिकल्ट नहीं था बट मिडवे अपडेट, वो हम नहीं पहुंचने वाले हैं. वो जो मुझे लग रहा था कि वो मंदिर है वो जस्ट एक व्यू पॉइंट था एंड वहाँ से 900 मीटर्स और है. एंड पता है प्लेन में तो 900 मीटर इज़ लाइक व्हाट, 2 मिनट्स? अगर आप गाड़ी से जा रहे हो, पैदल जा रहे हो तो 10 मिनट राइट, 10 मिनट से भी कम आएगा, 10-15 मिनट इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, 10 मिनट से ज़्यादा. बट भाई यहाँ पे 900 मीटर इज़ लाइक फॉर एवर आई स्वेयर. बट चलो वो तो ये है कि यहाँ पे ना रास्ता इन्होंने बनाया हुआ है, ये देखो
और अभी भी सिर्फ मैं और पापा ही दिख रहे हैं मेरे को पूरे रास्ते में। फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं वो रहा टेंपल। चलो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। दिस इज़ द टेम्पल एंड यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी हैं। अभी सनसेट होने वाला है। मेरे को तो लग रहा था कि ऊपर लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बट वर्थ इट। और बैठ जाती हूँ मैं। ये ऊपर टेम्पल है एंड यहाँ पे नीचे खाने का था, तो आई हैव कम हियर टू ईट। तो मैं सोच रही हूँ कि मैगी खा लूँ। सुबह मैंने चाउमीन खाई थी एंड अभी मैं मैगी खा रही हूँ। कल भी मैंने मैगी खाई थी। दिस इज़ द मोस्ट मैगी आई हैव एवर ईटन। बट मेरे को इतना वो नहीं हो रहा है क्योंकि इतना जितना चल रही हूँ मैं, खाने से ज़्यादा तो मेरा डाइजेस्ट ही हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। नारियल बर्फी। नारियल बर्फी है। एक सेकेंड, पापा ने नारियल बर्फी ली है यहाँ से। कितने की थी ये? 20। सही है। इतने आप लोग पहाड़ देखो। और मेरे को कमेंट्स में बताना आपको इतने सारे पहाड़ देख के इतनी गर्मी में कैसा लगा। मुझे लग रहा है मेरे बोलने से ज़्यादा तो मेरे व्लॉग में मेरे सांस लेने की आवाज़ आ रही है। जस्ट वी हैड अ ट्रैक टू फुलानी देवी टेम्पल एंड दिस इज क्वाइट एक्साइटिंग एंड एडवेंचरस ऑफ कोर्स। वी हैव एंजॉयड फलक स्पेशली एंड जस्ट यू कैन सी द सीनिक ब्यूटी, द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द हिल्स which is quite virgin and just simply beyond expression. And you can see all the trees like deodar and different hill trees. They are having age of 100 years and 200 years and like that. 1 hour later. And particularly this among the hill people, this religious temple etc., they are quite common and they are having lots of temples and these ancient temples, you can say. 2 hours later. Nice, thank you. Cameraman Falak ke saath. Hello. Bhai bahut dur hai. Aur bhai lekin rasta bahut acha hai yaar. Pura pakka rasta hai. Chota hamara to itna uncha pair hai ki seedhi hai. Haan, lekin it was nice. Hum log रास्ते में रुके हैं बकरी देखने के लिए। सो प्रिटी। हाँ, गाय भी तो ऊपर चढ़ गई है। मैं देख रही हूँ तो मैं आपको भी दिखा रही हूँ। होटल जाने के रास्ते में वी हैव मेड अ स्टॉप हियर बीजीज पार्क एंड ये एक स्कूल है, पता है, डलहौजी पब्लिक स्कूल। इन्होंने ऐसे एक ये पार्क मेंटेन किया है एंड मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा है मैं क्या बोल रही हूँ क्योंकि मेरा कान बंद हो गया अपेरेंटली लोअर ऑल्टीट्यूड पे आने के बाद। तो यहाँ पे एक तो ये है एंड एक ये है। सोचो ये पूरा भाई स्कूल की प्रॉपर्टी है। सो कूल राइट। लुक एट दिस स्कूल।